आवाज उठाना। यहाँ बैठे मेरे भाई सभी बड़े बुजुर्ग, एक ही बात बोलना चाहूंगा, सत्ता में सरकार बीजेपी की है, पावर बीजेपी की है। कैप्टन के अंदर जो प्रकरण हुआ सबको पता है, भाषणबाजी लंबी चौड़ी ना करने का कोई फायदा नहीं। किसको हमने वोट देना, कौन हार गया, किसको हम वोट डालते, कौन हमारी वोटों से जीतता, ये तो बात हो चुकी बाद की। अब राजनाथ सिंह से बड़ी तो कोई तोप है नहीं बीजेपी के अंदर। जब उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हमारे भाई बैठे हैं बड़े भाई नहीं लड़ा जी, उन्होंने कहा कि क्या हमारा समाज सतेंद्र राणा को वोट डालता और वो अगर वहां एमएलए बनते और वो वहां मुक्ति ना लगने देते तो राजनाथ सिंह से बड़ी तो वो पावर नहीं है, योगी आदित्यनाथ से बड़ी तो वो पावर नहीं है। जब हमारा इतने बड़े बड़े मंत्रियों ने, रक्षा मंत्री ने साथ नहीं दिया तो हम सतेंद्र राणा से क्या उम्मीद कर सकते थे। सतेंद्र राणा ने फिर भी एक बात बोली कि मैं अपने समाज के साथ हूं। कहां है हमारे वो नेता, कहां है हमारे समाज के वो नेता जो बीजेपी की रैलियों में जाते हैं। आज समाज के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उन व्यक्तियों के मुंह से सरकार के खिलाफ क्यों एक शब्द भी नहीं निकला, मुझे इस बात का एक आंसर दो। उन व्यक्तियों ने क्यों भी समाज की निंदा नहीं की, क्यों बीजेपी सरकार की निंदा नहीं की। आज क्षत्रिय समाज का आम युवा पुतले फूंक रहा है, रैलियों में जा रहा है, जगह जगह मीटिंग अटेंड कर रहा है। क्यों भाई? जब तक सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, जब तक हमारे समाज के व्यक्ति इस्तीफे नहीं देंगे तो सरकार के कान पे कौन सी जू रेंगने वाली है। क्षत्रिय समाज की पंचकुला जिला के सबसे बड़े गांव बरवाला के बतौड़ गांव में एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें ये ऐलान कर दिया गया है कि 22 अगस्त को पूरा पंचकुला जाम किया जाएगा। पहले 10 सितंबर की काल जो कि कैथल में है, जहां पर मूर्ति लगी हुई है, वहां क्षत्रिय समाज जाम करेगा, लेकिन उससे पहले 22 अगस्त को पंचकुला जाम करेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है इसने जमुना नगर उसके बाद कैथल में एक जाति सूचक शब्द लगाकर मूर्ति की स्थापना की है और कहती है कि हम जातिवाद नहीं फैलाते, सबसे बड़े जातिवादी हैं। उसके बाद इसने यूपी में किया है, दादरी में किया है, गाजियाबाद में किया है, गाजियाबाद के मेयर ने किया है, आप दादरी में जाओ दादरी के एमएलए ने किया है, दोनों बीजेपी है। आरएसएस ने सहारनपुर में जो यात्रा निकलवाई, मतलब कि हर जगह जातिवाद फैलाया है। 7-8 मूर्तियां हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है। तो अब बात यह है कि सरकार द्वारा बनाई गई है, लेकिन उनके जो गांव हैं वो अपने गांव में भी लगवा लेते हैं, लेकिन क्षत्रिय जो हैं वो सहारनपुर में दो गाँव में, एक इस्सापुर गांव है, एक रेनौद कुछ गांव है, दो गांव में मिहिर बोस जी की बोर्ड स्थापित किया गया क्षत्रिय समाज ने अपने गांव पर, अपनी ज़मीन पर, अपने पैसे से, सरकार के वो उससे नहीं। लेकिन सरकार तब से दो दिन से उन्होंने कोल लगाया हुआ है क्षत्रिय समाज के साथ, वहां पर क्षत्रिय समाज उनसे मुकाबला कर रहा है। वहाँ पर एक जगह बोर्ड उन्होंने खुड़वा दिया है और एक जगह उखाड़ा था पिछले हफ्ते, वो कल का लगाया है, लेकिन अभी भी उन पे वहाँ पर बैठे हुए हैं वो धरने पर, किसी भी पक्ष वहाँ से भी बोर्ड उखाड़ सकती हैं। दो दिन से क्षत्रिय समाज इन प्रशासन का मुकाबला करने में लगा हुआ है उस दो गांव में, सहारनपुर में, उसके विरोध में भी क्षत्रिय समाज रैली निकालने वाला है, बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा पंचकुला जिले में। आखिर ये क्षत्रिय समाज का अपमान क्यों करती है? कैथल जिले में इतना बड़ा मामला हो गया तो बड़ा विरोध प्रदर्शन का हो रहा था, तो इन्होंने वो करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया मेवात में, खुद ही इन्होंने करवाया मानेसर जैसा एजेंट को छोड़कर, क्योंकि जब मानेसर वीडियो बना रहा था जहाँ बाकी वाले बना रहे थे तो इन्होंने रोका क्यों नहीं? गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है तो सरकार की गलती है। ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, ये चाहते हैं कि दंगे फैले और जहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए और इलेक्शन ना हो, क्योंकि अब इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा। इनको पूछे जाएंगे अब रोज़गार का इनके पास कोई सवाल नहीं है, लोग खज्जल हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं बाहर फॉरेन कंट्रियों में जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर काम धंधा नहीं रहा, नौकरियां नहीं रही, तो अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब फिर से ये लोगों को डिवाइड करने के लिए, क्षत्रिय समाज तो ये अंधभक्ति छोड़ चुका है, वो अपने छात्र धर्म में आ चुका है 90% तो ये चीज़ें करवा रहे हैं। और क्षत्रिय समाज को तो इतना यूपी की सरकार हो, वो कोई ठाकुरवादी सरकार नहीं है, वहाँ पर बोर्ड स्थापित करने पर भी संघर्ष करना पड़ रहा है। एक बोर्ड स्थापित है वहाँ पर, फिर भी संघर्ष करना कर रहा है, दूसरा बोर्ड स्थापित नहीं करने दे, अभी संघर्ष चल रहा है उधर बहुत बड़ा। क्षत्रिय समाज क्या अपने बोर्ड भी नहीं स्थापित कर सकता? तुम अपने पैसों से तो मूर्तियां लगवाते नहीं क्षत्रिय समाज की, लेकिन जो अपने पैसे से लगवा रहा है कि कौन से कानून में लिखा है, दूसरे लोग लगवा रहे हैं तो वो क्यों नहीं लगवाएंगे?
क्षत्रियों ने तो फैसला कर लिया कि उनकी अर्थी जाएगी ना, फिर वो बोर्ड उखड़ेगा तो पूरा क्षत्रिय समाज इनके विरोध प्रदर्शन करेगा। ये बहुत ही क्षत्रिय समाज का इतिहास लोगों में बांटने लगे हैं और क्षत्रिय समाज अब इस चीज़ को समझ चुका है कि इनका विरोध करके ही क्षत्रिय समाज अपनी प्रगति कर सकता है।